नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अर्जुन कपूर हुए भावुक, माँ को याद कर नम हो गई अर्जुन की आंखें। अर्जुन कपूर अपनी माँ मोना शौरी कपूर की सातवीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए। अर्जुन ने अपने वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, तुम मेरी मुस्कान थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जहाँ भी हो आज भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला पा रहा हूँ। हमें छोड़कर गए तुम्हें 7 साल हो गए हैं और तुम्हारा बेटा बस तुमसे एक ही बात कह रहा है, वापस आ जाओ ना प्लीज। 25 मार्च 2012 को अर्जुन कपूर की मम्मी मोना शौरी का कैंसर की वजह से निधन हो गया था। मोना का निधन उस वक्त हुआ जब उनके बेटे अर्जुन की पहली फिल्म इश्क ज़ादे रिलीज ही होने जा रही थी। मोना श्रीदेवी के पति बोनी कपूर की पहली पत्नी थी। श्रीदेवी का भी निधन उस वक्त हुआ जब उनकी बेटी जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म धड़क रिलीज होने वाली थी। अर्जुन और अंशुला अपनी माँ मोना के काफी करीब थे। अंशुला ने भी अपनी माँ की तस्वीर अपने वेरिफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। एक तस्वीर में जहाँ अर्जुन अंशुला की माँ मोना नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में अंशुला के बचपन की तस्वीर है। माँ मोना अंशुला को खिला रही है। अंशुला ने भी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, वापस आ जाओ ना माँ। वर्क फ्रंट की बात करें तो अर्जुन कपूर जल्द ही फिल्म संदीप और पिंकी फरार, इंडियाज मोस्ट वांटेड और पानीपत में काम करते नजर आएंगे। इन दिनों अर्जुन की फिल्म पानीपत सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है। फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर कर रहे हैं और फिल्म में अर्जुन के अलावा संजय दत्त और कृति सेनन भी काम करते दिखाई देंगे। वही अगर अर्जुन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन दिनों उनका नाम मलाइका अरोड़ा के साथ जोड़ा जा रहा है। खबरें हैं कि अर्जुन और मलाइका जल्द ही शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि सुनने में तो आ रहा है कि अर्जुन मलाइका अप्रैल के महीने में चर्च वेडिंग करने वाले हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि इन दोनों ने एक फ्लैट खरीदा है जहाँ पर ये दोनों शिफ्ट भी हो सकते हैं। माँ की पुण्यतिथि पर अर्जुन की आंखें माँ को याद करके नम हो गईं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।